सत श्री अकाल जी, मैं मनदीप अपने यूट्यूब चैनल च थोड़ा बहुत बहुत स्वागत करदी हां। अज असी बना रहे हैं कड़ाही पनीर। कड़ाही पनीर बनाने लई जड़ियां जड़ियां चीज़ां दी सानू लोड़ आ वो इस तरह है। पनीर 450 ग्राम, तेल 3 प्याज पतले कट्टे हुए, 2 प्याज मोटे कट्टे हुए, शिमला मिर्च 3 से 4, 2 टमाटर, अदरक अते लसन। सजाउण लई धनिया, दालचीनी, धनिया पाउडर, दरड़िया होया गरम मसाला, करी पत्ता, जीरा, 2 से 3 लौंग, 200 ग्राम करीम ते हल्दी, लाल मिर्च पाउडर, नींबू का रस, नमक स्वाद अनुसार। हुण आपां पनीर नूं 10 मिनट लई मैरीनेट करांगे। इहदे विच नमक, लाल मिर्च पाउडर ते जिहड़ा नींबू का रस आ उह पा के इहनूं मिक्स करके 10 मिनट लई रख दो। हुण असी एक पैन दे विच 2 जिहड़े चम्मच आ तेल दे पा के जिहड़े असी मोटे मोटे प्याज कट्टे सी उहनां नूं थोड़ा थोड़ा फ्राई करांगे। हुण जिहड़े प्याज आ तुसीं उहनूं अध कच्चे जे फ्राई करना आ ते जदों फ्राई हो गए उहनूं बाहर कढ लो भांडे दे विच्चों ते इसे तेल दे विच असी जिहड़ी साडी शिमला मिर्च आ उहनूं भी इदे ही असी फ्राई करना आ। इस तो बाद सेम पैन दे विच असी फिर तो थोड़ा जिहा तेल पा के जिहड़ा साडा पनीर मैरीनेट करन लई रख्या सी उहनूं भी इदां ही थोड़ा थोड़ा फ्राई करांगे। हुण एक तेल दा चम्मच जिद्दां कि असी पैन दे विच पा के इहदे विच असी जिहड़े मसाले आ साडे जीरा होया धनिया जिहड़ा साडा ते गरम मसाला पा के उहनूं मिक्स कर लैणा आ। इस तो बाद जिहड़े साडे प्याज सी असी बरीक बरीक कट्टे हुए वह भी इहदे विच पा लैणे आ ते फिर इहनूं थोड़ा भुन लवो। जदों प्याज हल्के रंग दे ब्राउन हो जाण तां उहदे विच अदरक ते लसण भी पा दो ते नाल ही जिहड़े टमाटर कट्टे सी वह भी पा दो। तीन तो चार मिनट लई हुण इहनूं तुसीं पका लो। स्वाद अनुसार नमक पा दो। हुण इह जिहड़ा असीं सारा मसाला भुन्निया आ इहदी असीं ग्रेवी बनावांगे। उस तो बाद फिर तुसी किसी पैन दे विच थोड़ा जिहा तेल पा के उहदे विच दालचीनी, लौंग, करी पत्ता ते थोड़ी जिही लाल मिर्च पा दो। इहनूं तुसी चंगी तरह मिक्स कर लो। हुण इहदे विच जिहड़ी तुसी ग्रेवी बनाई सी उह मिक्स कर दो। एक छोटा चमचा हल्दी दा पा दो, एक जां 1.5 चमचा। इहदे नाल ही तुसी जिहड़ी शिमला मिर्च ते जिहड़े प्याज फ्राई कीते सी उह भी पा दो। हुण पावांगे असी इहदे विच फ्रैश क्रीम।
ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਪਨੀਰ ਭੁੰਨਿਆ ਸੀ ਅਸੀਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਫਰਾਈ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਮਿਕਸ ਕਰ ਦਿਉ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਤੇ ਇਹਨੂੰ 2 ਜਾਂ 4 ਮਿੰਟ ਲਈ ਪਕਾ ਲਓ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਬਣ ਗਿਆ ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਧਨੀਏ ਦੇ ਨਾਲ ਗਾਰਨਿਸ਼ ਕਰ ਲਓ। ਹਾਂਜੀ, ਕੜਾਹੀ ਪਨੀਰ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਬਣ ਕੇ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਿਆ ਆ। ਉਮੀਦ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਪਸੰਦ ਆਈ ਹੋਵੇਗੀ। ਜੇ ਵੀਡੀਓ ਪਸੰਦ ਆਈ ਤਾਂ ਲਾਈਕ, ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਅਤੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਾ ਨਾ ਭੁੱਲਣਾ। ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਨੈਕਸਟ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤਦ ਤੱਕ ਲਈ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ।